हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। दिस इज ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12th एंड वी कंप्लीटिंग द टॉपिक हेयर कंसंट्रेशन टर्म्स। तो चलिए कल की बात से मैं उठाता हूँ कि पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का एक क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट इज पार्ट्स पर बिलियन? द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6, मतलब कि 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। एंड 10 की पावर यदि 9 कर देते थे तो क्या हो जाता था? बिलियन। नाउ राइट द क्वेश्चन। एग्जांपल, सी वाटर कंटेन्स 53 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। राइट द क्वेश्चन, सी वाटर कंटेन्स 53 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मतलब कितना ppm है सी वाटर के पास? 53 पार्ट्स पर मिलियन। ओके, सी वाटर कंटेन्स 53 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। फाइंड मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन ए ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास वाटर में प्रेजेंट बताना है, एक ग्लास ऑफ वाटर में कितना मास प्रेजेंट है, किसका? Na2CO3 का। ओके, तो देखिए ग्लास ऑफ वाटर नॉर्मली यहाँ पे मतलब मास बताना है। अब हम जानते हैं ppm का फॉर्मूला क्या होता था। ppm इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। ये होता था पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आपके पास बेटा ग्लास ऑफ वाटर है, नॉर्मली एक ग्लास कितने का होता है? 250 ml का। तो सबसे पहले एक आपको मानना पड़ेगा, इफ ग्लास ऑफ ml नहीं दिया गया है तो वी कैन सपोज इसको हम मान सकते हैं कि 250 ml। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 250 ml। तो 250 ml आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया। ओके, अब 250 ml ऑफ वाटर का आपको मास निकालना है, बिकॉज इट्स अ सॉल्यूशन, सो यू नो मास इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। सो डेंसिटी इक्वल्स टू 1 gram per ml मल्टीप्लाई बाई 250 ml। ml से ml कैंसिल, तो बेटा मास भी कितना आ गया? 250 ग्राम। 250 ग्राम, ये किसका मास आया है? ये मास आया है 250 ग्राम सोल्यूशन का। ओके डन, सो दिस इज द मास ऑफ द सोल्यूशन 250 ग्राम। अब आपको निकालना है मास ऑफ द सल्यूट, यही निकालना है आपको मास ऑफ द सल्यूट। तो चलिए देखते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बेटा नंबर ऑफ ppm कितने दिए गए अपन को? 53। अब आप कहेंगे सर नंबर ऑफ ppm 53 तो समुद्र के अंदर है, गिलास के अंदर थोड़ा ना है। सो आई टेल यू कि भाई आप जो कंसंट्रेशन होती है वो हर जगह एक जैसी होती है, अलग अलग नहीं होती है। समुद्र का पानी आप निकाल के आओ, सी वाटर आप ले आए हो, तो जो कंसंट्रेशन सी वाटर में पानी की थी वो कंसंट्रेशन ग्लास में होगी, है ना, कंसंट्रेशन। सो बेटा फॉर्मूला यूज करो ये वाला। सो 53 इक्वल्स टू वर्ड, यू डोंट नो व्हाट इज x, x इज द मास ऑफ द सॉल्यूट, एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हुआ बेटा? 250 मल्टीप्लाइड बाई ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो ग्राम में ही आंसर आएगा 250 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6। समझ में आया बेटा? इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही छोटा सा इसका आंसर आ जाएगा, x अपॉन 250, ठीक ना, इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसका बहुत ही छोटा सा आंसर मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा कैंसिल कर देता हूँ इसको, तो x इक्वल्स टू 250 ऊपर चला जाएगा, 53 मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6, मतलब 60, 1, 2, 3, 4, 5, 60 आंसर ग्राम में। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर निकाल लीजिएगा। डन, ओके बच्चों, पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला याद है आपको, कल मैंने बताया था, सेम टू सेम होता है। पार्ट्स पर बिलियन ppb इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 9। ओके, 10 की पावर 9 आ जाता है। कल बच्चों मैंने आपको 100 ग्राम ऑफ वाटर की
क्या निकलवा के बताई थी, मोलैरिटी, 100 ग्राम ऑफ वाटर की मोलैरिटी निकलवा करके बताई थी, ओके, 100 ml वाटर की, सॉरी नॉट 100 ग्राम, कल मैंने आपको 100 ml वाटर की मोलैरिटी निकाल के बताई थी, और मैंने बोला था नॉर्मल केसेस में जो आपको कंसिडर करना है डेंसिटी ऑफ द वाटर दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, कितना कंसिडर करना है 1 ग्राम पर ml, इन द नॉर्मल सिचुएशन आपको जो डेंसिटी कंसिडर करनी है, बट डेंसिटी में भी अगर आपको क्वेश्चन अलग से दिया गया है तो डेंसिटी आप अलग अलग ले सकते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन इस टाइप का उठाते हैं, नया क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 100 ml ऑफ वाटर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ 100 ml ऑफ वाटर, ओ नॉट डेंसिटी, मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 100 ml ऑफ वाटर व्हेन इट इज गिवन दैट डेंसिटी 0.9 ग्राम पर ml, डेंसिटी 0.9 ग्राम पर ml, ओके, यस ये दी गई है। देखिए कैसे करेंगे, सो बच्चों मोलैरिटी निकालना है, इस बार डेंसिटी दी गई है, सो लेट अस कंसीडर, आपको यदि हाँ वैसे बोल दिया कि पानी की मोलैरिटी निकालो, कुछ भी नहीं दिया तो भी आप 100 ग्राम ml, कल मैंने कहा था फाइंड द मोलैरिटी ऑफ वाटर, तो आप 100 ml पानी लेके चल सकते हो, तो आज भी हम मान लिया कि जो पानी का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 100 ml, ले लिया 100 ml पानी का वॉल्यूम ले लिया, अब हमको निकालना है क्या इसका मास, अब हमें इसका मास निकालना है, तो आपको मैंने बताया मास इक्वल्स टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी दी रखी इस क्वेश्चन बेटा, डेंसिटी दी गई है 0.9 ग्राम पर ml और वॉल्यूम है 100 ml, ये तो आपने खुद सेलेक्ट किया, ml से ml कैंसिल, आंसर कितना आ गया बेटा 90 ग्राम, तो कल आप 1 ग्राम पर ml ले रहे थे तो आपका पानी का मास जनरेट हो रहा था कितना 100 ग्राम, आज आप डेंसिटी कम कर चुके हैं तो पानी हल्का हो गया, मतलब जनरेट हो रही जो मास जनरेट हो रही दैट इज 90 ग्राम, ओके, सो ये हो गई भाई 90 ग्राम पानी का मास हो गया, दिस इज मास। नाउ अब आपको जी निकालना है क्या मोलैरिटी, सो यू नो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, चलो भाई नंबर ऑफ मोल्स, तो 90 गिवन मास अपॉन मोलर मास, पानी का मोलर मास कितना होता है बेटा 18, गिवन मास 90 मोलर मास 18, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इन लीटर, तो 100 ml में है तो लीटर बदलने के लिए यू विल डिवाइडेड बाई 1000, यस ऑर नो, 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सॉल्व कर लो 90/18 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 100000, ओके, आंसर कितना आएगा 900, वैसे 18 से कट गया 5 बार बेटा, सो आंसर आ गया बेटा 50, कितना आ गया 50, सो 50 मोलर सोल्यूशन है बेटा, ये कैसा सोल्यूशन है 50 मोलर, ओके बच्चों, कल मैंने आपको कुछ नोटेशंस बताए थे सेमी मोलर डेसी मोलर इत्यादि, है ना, अब आइए उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन लिखिए फाइंड मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आपको मास फाइंड करना है किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 150 cm³ ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन, 150 cm³ को ही समझ में आ गया क्या है बेटा वॉल्यूम है, तो 150 cm³ यदि बदलना है आपको लीटर में तो पहले ही 1000 का डिवाइड कर दो, 1000 का क्या कर दिया डिवाइड, अब ये कायम बदल चुका है बेटा लीटर में, किसमें बदल चुका है, मतलब जो काम हम बाद में करते थे वो काम में पहले कर लिया, अब इस बार लीटर में बदल लिया, चलिए क्या ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन, ओके सेमी मोलर सोल्यूशन समझ गया ना, सेमी मोलर एक्वस सोल्यूशन, तो सेमी मोलर है मतलब मोलैरिटी कितनी दी होगी बेटा 1/2, सेमी मोलर मतलब मोलैरिटी कितनी होती है 1/2, अब ऑल यू नो कभी मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यस ऑर नो, मोलैरिटी दी गई है 1/2, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो KOH का मॉलिकुलर मास निकाल लो, पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कर दो कितना हुआ बेटा KOH का मास टोटल करो, ओके KOH 39 प्लस 16 प्लस 1 9 6 15 कितना हुआ 56, बोलो भाई है ना, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पे अपने पास आ गया x अपॉन 56, KOH 19 का हो गया 38 प्लस 16 प्लस 1, यही हुआ ना
39 होता है, 6 1 7 7 और 9 9 7 16 6, 3 और 1 4 1 5 56 आया बेटा, सही है ना 56। तो x अपॉन 56 ये आ गया n। बेटा वॉल्यूम की वैल्यू प्लेस कर दो, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है बेटा देखो 150 डिवाइडेड बाई 1000। ओके कैंसिल कर दो जीरो से जीरो, सो क्या बन गई सिचुएशन, 1/2 इक्वल्स टू एक्स बाई 56 मल्टीप्लाइड बाई 100/15, ठीक है ना, काटाकुटी कर दो भाई, दो से कितने बार गया बेटा 28 बार, ये 28 और 15 ऊपर आ जाएंगे, 28 मल्टीप्लाइड बाई 15 और इक्वल टू बचेगा यहाँ x और यहाँ आएगा कितना 100। सॉल्व कर लो जरा सा, सॉल्व करो जरा सा, 28 इंटू 15 करो जरा कितना होता है 28 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो, या काटना चाहते हो और काट सकते हो, मत काटो, 28 मल्टीप्लाई बाई 15 420, बिल्कुल सही आया, 420 डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, x आंसर x इक्वल टू 4.2 ग्राम, नोट करो 4.2 ग्राम आ गया। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोलैरिटी ऑफ आयंस, देखते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस, एक क्वेश्चन करते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस को समझने के लिए, क्वेश्चन लिखिए इफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज डिसॉल्वड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 53 ग्राम Na2CO3 इज डिसॉल्वड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी निकालनी है, सोडियम आयन की निकालनी है एंड कैल्शियम आयन की निकालनी है। ओके होता क्या, देखो बेटा Na2CO3 53 ग्राम है, तो मास दिया गया है आयन का दैट इज इक्वल टू 53 ग्राम, एटम जो सॉरी मॉलिक्यूल जो है घोल रहे हो सॉल्यूट, 53 ग्राम दिया गया है, इट डिसॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम दिया गया है 500 ml। ओके देखो सॉल्यूट की मोलरिटी निकालने में तो हम राजा हो चुके हैं, हमसे बनने लगी है, मगर ये आयन आ गया इस बार थोड़ी सी, तो इसमें बस ध्यान रखना पड़ेगा, तो बिल्कुल वैसे ही करो, सॉल्यूट की आप पहले मोलरिटी निकालो, तो सॉल्यूट की मोलरिटी कैसे निकालेंगे, वही गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और फिर उसमें क्या कर दो डिवाइड कर दो। ओके सो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट Na2CO3 दैट इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, कितने दिया गया 53 ग्राम अपॉन मोलर मास, कितना होता है भाई बताओ, 106 होता है, 106 Na2CO3 का याद कर लो, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मोलर मास होता है बच्चों वो 106 होता है, ऐड करके निकाल लो, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, मतलब ये 1/2 आ रहा है दिखने में, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कैंसिल करोगे बेटा कितना आएगा 1/2, नीचे का पार्ट निकला बाकी है बच्चों, 500 ml है, ml को लीटर बदलने के लिए 1000 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया बेटा 1/2, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, आंसर आ गया 1 मोलर, क्या आ गया आंसर 1 मोलर, मतलब यहाँ जो कंसंट्रेशन Na2CO3 की वो कितनी है 1 मोलर, बोलो हाँ, तो यहाँ पे Na2CO3 की जो कंसंट्रेशन आ रही है वो 1 मोलर आ रही है। अब देख बेटा होगा क्या होगा, ये आयन की बात देखो, Na2CO3 का आयनाइजेशन आप यदि करो तो इसके आयन कैसे टूटते हैं बेटा, 2Na+ और CO3 कितना बेटा -2, ये जो टर्म आगे लगा होता है बेटा ये वॉल्यूम का होता है, मतलब इसके इतने वॉल्यूम बनते हैं, इसके इतने मोल्स, इसके इतने वॉल्यूम बन रहे हैं। ओके तो आप देखो एक मोल Na2CO3 में कितने मोल्स Na आयन बन रहे हैं, 2 मोल, तो यदि आप इसका एक मोल ले रहे हो तो इसके कितने बनेंगे 2 मोल और इसके भी कितने बनेंगे 2 मोल, क्लियर हो गया, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे Na+ आयन की कंसंट्रेशन बेटा ये कितना था अपने पास, देखो ये 1 मोल था, ये कितने मोल था 1 मोल, तो ये इक्वेशन से डिसाइड किया जाता है कि भाई ये अगर यहाँ पे ये 1 मोल है तो यहाँ पे इसके कितने मोल बनेंगे बेटा 2 मोल और इसके कितने बनेंगे बेटा 1 मोल, तो आपसे बोला गया था भैया Na+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, आंसर बोलो बेटा 2 मोल, और कौन है, और कौन है CO3-2, CO3-2 की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 1 मोल, आया समझ में, नोट कर लो फटाफट, ये हो गया जी।